आइसक्रीम बर्फ़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले आइसक्रीम बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं आइसक्रीम बर्फ़ी। तो इसके लिए देखिए, मैंने गैस पर 1 लीटर ये दूध लिया है और ये देखिए, ये 1 लीटर दूध है। दूध को हमको बहुत ही अच्छे से जलाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दूध जब बहुत ही अच्छे से जल रहा है, आपको इसको 1 लीटर दूध है इसको मतलब आधा लीटर जलाना है। इधर देखिए, दूसरे कढ़ाई पर मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और आपको चीनी को बहुत ही अच्छे से मेल्ट करना है। चीनी जब आप मेल्ट करें तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, बस आपको इस तरह से ऊपर नीचे करके हिलाना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे करके आपको बहुत ही अच्छे से हिलाना है। तो देखिए, गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है और इधर ये चीनी भी मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए, दूध आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। तो दूध गाढ़ा करते समय मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है ताकि दूध ये फटाफट गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये अब चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। ये देखिए, ये परफेक्ट तरीके से मेल्ट हो रही है। ये देखिए, ये अब धीरे धीरे एकदम मेल्ट हो रही है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी गैस पर चीनी मेल्ट कर रहे हैं वहाँ उस पर गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये चीनी देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इधर मैंने ब्रेड के टुकड़े लिए हैं, इसके किनारे वाले हिस्से को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कैंची से सारे किनारे वाले हिस्से को कट कर लिया है। इस तरह से ये 10 से 12 ब्रेड हैं, इन सभी को आपको कट कर लेना है। तो मेरा ब्रेड छोटे साइज़ का है इसलिए मैंने 10 से 12 ली हूँ। अगर आपका बड़े वाला साइज़ का है तो 5 से 6 ब्रेड एकदम आराम से हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ब्रेड को तोड़ लेना है और मिक्सर के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। तो इसको मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्रेड का पाउडर एकदम तैयार हो चुका है। इस तरह का आपको पाउडर बना लेना है। और अब आगे के प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास मलाई है। मलाई में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला लिया है और इस मलाई को बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। तो अब आगे के प्रोसेस में ये देखिए, दूध जलते जलते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और अब हम ये जो चीनी मेल्ट किए हैं इसको हम डायरेक्ट डाल देंगे। तो ये देखिए, जब आप डालेंगे तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा। तो आप डरिएगा मत, एकदम आराम से आप इस चीनी को डाल दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से चम्मच से मिलाइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से चम्मच से मिला रहे हैं। और अब जब आप चीनी डाल, ये जो मेल्ट हुआ, तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और अब मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो बस देखिए, सबको मलाई डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। और गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है। लो फ्लेम में हम ये ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, मैं लो फ्लेम में ये ड्राई फ्रूट ऐड कर दे रही हूँ और अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड की आइसक्रीम बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम रखे हैं और मीडियम फ्लेम में अब हम इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने ब्रेड का पाउडर बनाया था उसको हम ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे ब्रेड के पाउडर को डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड के पाउडर को डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो बस देखिए, 2 से 3 मिनट में ही ये जैसे ब्रेड का हम पाउडर डाल दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। तो ये देखिए, अब ये धीरे धीरे से गाढ़ा होने लगा है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। और देखिए, मीडियम फ्लेम में हम इसको बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा, इस तरह से गाढ़ा हो चुका है और ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनती है ब्रेड और मिल्क की। तो ये देखिए, ये
बहुत ही अच्छे से पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको ठंडा करना है। तो ये इधर ठंडा हो रहा है और आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं। और इधर देखिए, इस तरह के ट्रे में हम जमाएंगे। ये कुकीज़ का ट्रे है, इसमें कुकीज़ अक्सर आता है, आपके पास भी अवेलेबल होगा। तो इसमें ये सारे बैटर को हम डाल देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसको डालिए। तो ये देखिए, मैं इसको डाल दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ब्रेड मिल्क की जो आइसक्रीम है इसको हमने डाल दिया है। और अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो बस आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है आइसक्रीम बर्फ़ी। तो अब हम आगे के प्रोसेस में, अब जो इसके ऊपर मैंने कवर लगाया था, रबड़ से इसको कवर किया है, इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, हम निकाल दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ये आइसक्रीम बर्फ़ी जो है जम के रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। देखिए, फटाफट ये निकल जाती है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। और अब हम इसको कट करेंगे। तो आप जिस तरह से भी कट करना चाहें उस शेप में कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से लंबे शेप में कट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बर्फ़ी बनती है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी ये ब्रेड आइसक्रीम बर्फ़ी बनती है। तो ये देखिए, हम इस तरह से फटाफट कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे। जब आपको खाना हो तभी आप इस तरह से कट कर लीजिए। और अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बर्फ़ी बनती है। आइसक्रीम तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन सुपर सॉफ्ट ये आइसक्रीम बर्फ़ी खाइए, बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले स्वाद की होती है। आई होप कि आपको टेस्टी आइसक्रीम बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आइसक्रीम बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।